अमेरिका और चीन के बीच की रंजिशें काफी पुरानी हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोरोना संकट में और तेज हो गया है। कोविड-19 की महामारी और आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों की वजह से एक बार फिर दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है। आइए आज जानते हैं अमेरिका और चीन के तल्ख होते रिश्तों की क्या वजह है। दुनिया के दो पावर हाउस सेंटर जिनके पास भविष्य में एक दूसरे से आगे बढ़ने की अपार संभावना है, लेकिन इस हफ्ते दोनों देशों के बीच जुबानी जंग सारी इंतहा पार कर गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि चीन पर अमेरिका जिस तरह से तल्खी दिखा रहा है, इसके पीछे क्या उसकी कोई रणनीति है। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है और दोबारा राष्ट्रपति बनने की अपनी मुहिम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपना खेल बदल रहे हैं। आपको याद होगा हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप का चीन के संदर्भ में दिया गया बयान, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि चीन चुनावों में मुझे हराने के लिए कुछ भी कर गुजरेगा। इससे ऐसा लगने लगा है कि चीन के खिलाफ ट्रंप का वार अब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अभियान के एक नए चरण में शामिल हो गया है। ट्रंप इससे पहले अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अपने इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बना चुके हैं, लेकिन वो जनता के सामने सफल नहीं हो पाया। चुनाव के सर्वे ये बता रहे हैं कि प्रमुख राज्यों में राष्ट्रपति ट्रंप के लिए सपोर्ट बढ़ा नहीं है। कोरोना संकट से निपटने में उनके प्रदर्शन की आलोचना हो रही है। इन सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कोरोना वायरस को चीनी वायरस करार दे चुके हैं। चीन पर अमेरिका ने आरोप लगाते हुए कहा, इस वायरस को दुनिया भर में फैलने से रोकने के लिए चीन ने बेहद सुस्ती से कदम उठाए। तो वही बात अमेरिका के चुनावी प्रतिद्वंदी की करें तो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो बाइडेन को माना जा रहा है। ट्रंप के सहयोगी संगठन अमेरिका फर्स्ट एक्शन ने बीजिंग बाइडेन टाइटल से विज्ञापन जारी कर उन पर चीन को शह देने का इल्जाम लगाया। इस पर दूसरे खेमे ने भी पलटवार किया। जो बाइडेन की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने महामारी से निपटने में पहले सुस्ती दिखाई, फिर अपनी नाकामी का दोष दूसरे पर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाइडेन की कैंपेन टीम का ये भी कहना है कि ट्रंप प्रशासन ने कोरोना वायरस के बारे में चीन की शुरुआती जानकारी पर जरूरत से ज्यादा ही भरोसा किया। इसमें कोई शक नहीं कि सत्ता संभालने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप जब से बीजिंग के साथ ट्रेड वॉर में उलझे हैं, तभी से अमेरिका में चीन को लेकर नकारात्मक रुझान नाटकीय तरीके से बढ़ा है। कोरोना संकट को लेकर चीन को कसूरवार ठहराए जाने की जब भी बात होती है, राष्ट्रपति ट्रंप दुविधा और सुविधा की राजनीति के बीच उलझे नजर आते हैं। वो कभी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तारीफ करते सुनाई देते हैं, तो कभी चाइनीज वायरस के लिए कड़ी फटकार लगाते हैं। लेकिन अब उनके कैंपेन ने चीन के प्रति कड़ा रुख अपनाना शुरू कर दिया है। इससे पहले सीधे तौर पर ट्रंप चीन को धमका चुके हैं। वो कह चुके हैं कि चीन से एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा, चीन को भरपाई करनी पड़ेगी। हालांकि चीन ने इन सभी आरोपों का पूरी तरह से खंडन किया है। चीन और अमेरिका के रिश्ते उबड़ खाबड़ रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं। एक स्तर पर भले ही वो एक दूसरे के विरोधी हों, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर दोनों देशों के बीच सहयोग की जरूरत है, क्योंकि बहुत से अमेरिकी किसान चीन पर इस बात के लिए निर्भर हैं कि वो उनके उत्पाद खरीदता है। इस महामारी ने दवाओं और मेडिकल इक्विपमेंट के मामले में चीन पर अमेरिका की निर्भरता पर सबका ध्यान आकर्षित कर दिया है। ऐसे में चीन और अमेरिका के बीच किरार कहां जाकर थमती है, देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।